हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ सिंपलिसिटी डे ऑफ असम एंड पोथायलांगसो इको कैंप। वीडियो के शुरुआत में मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि असम में हर वर्ष 2 जनवरी को डॉक्टर उपेंद्र भाका समसर जी का जन्मदिन पर सिंपलिसिटी डे मनाया जाता है। ये परंपरा 2011 से जारी है। इस बार यानी कि 2022 की सिंपलिसिटी डे विश्वनाथ जिला की पोथायलांगसो इको कैंप में मनाया गया था। विश्वनाथ चारियाली से लगभग 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर ये क्रोर आरंग कार्बी गांव है। हम लोगों ने जब पोथायलांगसो इको कैंप में प्रवेश किया था तब हम लोगों ने देखा था कि कार्यक्रम में भाग लेने वाला सभी को सुबह की जलपान करते हुए। जब हम लोग इको कैंप में प्रवेश कर ही लिया तो आप लोगों की जानकारी के लिए इस पोथायलांगसो इको कैंप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर ही देता हूँ। एक्चुअली ये क्रोआरंग कार्बी गांव को विश्वनाथ कलश ने अडॉप्ट किया है। इस पोथायलांगसो इको कैंप को शुरू करने का लक्ष्य यही है कि गाँव वासियों को इस इको कैंप के जरिए इनकम जनरेट करवा सके और इस गाँव को पर्यटन का प्लेस बना सके। इको कैंप के बारे में मैं आप लोगों को शॉर्ट में बोल दिया, अभी आप लोगों को मैं कार्यक्रम और इको कैंप का कुछ फुटेज आप लोगों को दिखाऊंगा। हम लोगों ने भी सुबह का जलपान खा के कार्यक्रम में प्रवेश किया। जिखन गांव विश्वनाथ महाविद्यालय NSS प्रतिपालित करिसे अब मैं इस कार्यक्रम से बाहर जाकर आप लोगों को इको कैंप का कुछ फुटेज दिखाना चाहता हूँ। अगर आप लोग एडवेंचर को लाइक करते हैं तो इस इको कैंप में आके आप लोग बैक वाटर बोटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एंटर करते हैं इको कैंप में ब्रिज के ऊपर से। इस नदी के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, राइट साइड पर नदी का पानी कुछ कम है और लेफ्ट साइड पर पानी ज्यादा है ना इंटरेस्टिंग। हो रहा एक सांगघर, असम में इस टाइप के घर को सांगघर बोलते हैं। और इसमें देखिए असम के ट्रेडिशनल कपड़े, और ये बच्चों के लिए पूरा नेचुरल बेम्बू से बनाया गया है। और ये देखिए एक और सांगघर। अब मैं आप लोगों को इस इको कैंप का इस फील्ड को जूम कर करके दिखाने वाला हूं। आप लोगों को मैं इस इको कैंप का फुटेज फिर से दिखाऊंगा, अभी कार्यक्रम का कुछ फुटेज भी देख लेते हैं। जिमली बर ठाकुर कृष्ण। धन्यवाद। इतिहास से विशिष्ट व्यक्ति सकलर सम्बर्धना ज्ञापन ডক্টর ললিত চন্দ্র রাভাদেবক এখনি গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ সংগীতা ৰাজখোৱাক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ আজি অনুষ্ঠানটোৰ মধ্যমণি আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ উপেন্দ্ৰভা হাকা চামচাৰক এখনি গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব ডক্টৰ পণ্ডিতা বৰ্মা। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ পৰেশ বৈশ্য দেৱ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই সংগীতা ৰাজখোৱাৰ প্ৰমুখ্যে আমাৰ সদস্যসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ। জয়ন্ত বৰুৱা দাদাক এখনি দাদা বুলিয়ে কৈছোঁ, সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আমি সদস্যসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ কুমুদ বৰুৱা ছাৰ আছে, তেখেতক এখনি গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ।
जैसे कि मैं आप लोगों को बोला था कि इको कैंप को मैं फिर से दिखाऊंगा, तो चलिए कार्यक्रम से थोड़ा टाइम के लिए बाहर जाते हैं और इको कैंप को फिर से देखते हैं। इस फुटेज पर आप लोग देख रहे हैं विश्वनाथ कॉलेज के एनएसएस का डायरेक्टर राजेश सर बरो और साथ में है विश्वनाथ कॉलेज का एनएसएस स्टूडेंट बैक वाटर बोटिंग। ओह ये क्या, ओह थोड़ा सा बैलेंस में गड़बड़ हो गया था, बाद में एडजस्ट कर लिया। ये रहा सेल्फी पॉइंट। सांगर का क्लोज व्यू आप लोगों को अभी दिखा रहा हूं मैं। ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ असम। ये बेम्बू का बनाया हुआ पर्दा की जैसे लग रहा है। ये देखिए बेम्बू का टावर, चलिए ऊपर ही जाते हैं। मैं कार्यक्रम में फिर से लौट आया। ये देखिए बेम्बू चाय। ইকো কেম্পত অনুষ্ঠিত হওয়া সরলতাদী উদযাপনত আপনার অনবদ্য কর্মরাজিত আমি আপ্লুত হয়ে আপনার সেবাক শ্রদ্ধা জানাই আমি ডগুরাং চাং গবেষণা সমিতিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করছো। বটা প্রাপক শ্রীযুত কুমুদ বড়ুয়া। Oh, I don't.
গোটাইটো মোৰ কাৰণে অচিনাকি নহয় আৰু অসমৰ মানুহে জনা নাই বিশ্বৰ মানুহে জনা নাই যে আজিৰ জুলিয়েটে যদি অকণমান পায় আৰু তাৰ কাৰণে কৃতিত্ব আকৌ ৰাজুপুৰ যাব আকৌ ৰাজুপুৰৰ মোৰ ছাত্ৰ হয় ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ নহয় গৌৰাং চাং আঠ দহ বছৰ যদি আমি যুঁজি আছোঁ এতিয়াতো আমাৰ গৌৰাং চাঙৰ টোকাই টোকা এইখন জাৰ্ণেল মই মাছৰ তেলেৰে মাছ খাইছোঁ আমি এই যে ইমান যে প্ৰায় দহ হাজাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ বা বিশ হাজাৰে যাব গাড়ী তিনিখন গাড়ী আনিছোঁ এই একমাত্ৰ এই গৌৰাং চাঙৰ দ্বাৰা